important picture. You can see that he's a counselor who got injured when the drama escalated, when the fight escalated there inside the house. क्या हुआ था? आप कहाँ से काउंसलर हैं? पूरी कहानी बताइए क्या हुआ? तिलनगर से काउंसलर हूँ, मेरा नाम अशोक मानू है. जब मेयर का घराव करे तो मैं उस साइड आ रहा था, तो मेयर पे सब हमला करने लग गए, तो मैं उनके बीच बचाव में आया था. एक बीजेपी का कौंसलर जिसने केसरिया कलर की जैकेट डाल रही थी, उसने मेरे गर्दन को पकड़ लिया और जूतों से मारने लग गए, मुझे नीचे लपेट लिया. मेयर भागे मुझे यहीं लटका दिया. मैं मेयर की तरफ भागा बचाने के लिए. अभी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है. हॉस्पिटल से अभी मुझे छोड़ा है, उन्होंने छुट्टी दी है. मैं प्राइवेट इलाज. पेट में घूसे मारे इनके और ये खून वून भी सब निकला हुआ है. कब तक ये? आप पिछली बार जब पहली बार सिटिंग हुई थी उस वक्त आप भी उसमें आपको भी चोट लगी थी. कब तक ये चलता रहेगा? दिल्ली की जनता न्याय मांग रही है, कब उनके काम शुरू होंगे? देखिए, मैं सेकंड टर्म काउंसलर हूँ और साउथ कॉरपोरेशन में लीडर ऑपोजिशन भी रहा हूँ. ये दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया और हार जो बीजेपी को दी है, वो उसको पचाना नहीं चाह रहे, वो पचा नहीं पा रहे उस हार को. उनकी गुंडागर्दी सरेआम देखने को आपको मिल रही है. 2.5 महीने उन्होंने दिल्ली की जनता को मेयर नहीं चुनने दिया. दिल्ली की जनता को मेयर चाहिए था, दिल्ली की जनता को विकास चाहिए था, तो मेयर नहीं बनेगा. कॉरपोरेशन तो आप कॉरपोरेशन चला कर सकते हो. बड़े मुश्किल से कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की जनता को मेयर, डिप्टी मेयर मिला. आज स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आप देख रहे किस तरीके से, जब वो हार रहे थे तो उन्होंने सदन के अंदर बैलेट पेपर फाड़ दिए. चुनाव के अंदर जिस तरीके से गुंडा करती तस्वीर, कितनी शर्मनाक तस्वीर है. जब एक काउंसलर दूसरे काउंसलर के पीछे भाग रहा है, टेबलों पर चढ़कर कूद कर भागना, बोतल फेंकना, फल फेंकना, फ्रूट्स फेंकना, इस तरह की चीजें करना, क्या ये शोभा देता है एक चुने हुए पार्षद को? क्या ये शोभा देता है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को? क्योंकि ये चुनाव बहुत मुश्किल से कराए जाते हैं और चुनने के बाद आप लोग जब वहां पहुंचते हैं, हाथापाई करना, बाल खींचना, ये शोभा देता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद इस तरीके से काम नहीं करना चाहता, परंतु वो लोग आप देखेंगे बार बार 2.5 महीने से किस तरीके से वो हमारे पार्षदों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बार बार हमारे पार्षदों के ऊपर वोक करते हैं और हमारे साथ झगड़ा करते हैं. पहले सदन के अंदर जब पहला मेयर का चुनाव हुआ था, पूरे देश ने, पूरी दिल्ली ने देखा था किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया था. तो वो पहल करते हैं, पहल मारते हैं हमारे पार्षदों को, क्योंकि उनके पार्षद नहीं है, उन्होंने गुंडे चुन के भेज दिए है. उन्होंने गुंडों को टिकटे दी है अपनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी गुंडागर्दी में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ. जनता को आप क्या जवाब देंगे? बहुत समय हो गया है, कई सारे काम है जो एमसीडी के दिल्ली में होने हैं, कुछ नहीं हो पाए. कई जगह मैं जाता हूँ, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां खुदी हुई हैं. जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं काफी समय से कि उनके गली के सामने जो गलियां है वो बन जाए, वो नहीं हुआ है. कब शुरू होगा, आप ये जवाब देखिए. दिल्ली की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस विश्वास से आपने केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके नगर निगम दी है, हम आपको वायदा कर रहे हैं एक एक काम करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को खून बहाना पड़े. सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे. और वो तो रानी है, आप लोग आपस में लड़ रहे हो. देखिए, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम गुंडों से लड़ रहे हैं. 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डकैत बैठे हैं कॉरपोरेशन में, इन डकैतों से कॉरपोरेशन को छुड़वाना है. इनको इन्होंने जो भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है उससे मुक्ति दिलवानी है, तो डकैतों से आराम से छूटा पीछा नहीं छूटेगा. तो थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा सबको, दिल्ली की जनता को टाइट होना पड़ेगा अगले चुनाव के अंदर. इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से. एक आखिर प्रश्न मैं लूंगा, ये चीज निकल के सामने आ रही है कि ये मांग की जा रही है कि हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए, फिर से चुनाव कराए जाए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, हाउस को डिसॉल्व कौन सा, कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना. आप किस कानून के तहत कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर दोगे? कोई कानून नहीं है ऐसा. तो सदन के अंदर, हर सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी जूते चप्पल चलते हैं, और यहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वही काम यहाँ कॉरपोरेशन में कर रहे हैं. 15 साल से जो डकैती ये लोग कर रहे थे ना, तो इनको दर्द है उस डकैती का. जो पैसा ये माल खा रहे थे यहाँ से, आज इनको हिसाब देना पड़ेगा. आम आदमी पार्टी के जिस दिन हमारे जो मेयर बैठे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, इनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा. 10 रुपए की चीज इन्होंने 1000-1000 रुपए में खरीदी है, उसका हिसाब मांगेंगे. वो दर्द है इनको, इसलिए लोग झगड़ा कर रहे हैं. श्रवण, दैट्स व्हाट कमिंग इन फ्रॉम दिस आम आदमी पार्टी काउंसिल. रिमेंबर दैट्स